गुरदासपुर के हरदोछन्नी रोड पर स्विफ्ट कार में सवार दो अज्ञात लोगों ने एक 28 साल नौजवान गुरप्रीत पर चलाई गोलियां। जानकारी देते हुए घायल नौजवान ने बताया कि वह गुरदासपुर के गांव बतवाला का रहने वाला है और वह किसी काम से गांव हरदोछन्नी गया था। जब वह मोटरसाइकिल पर वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में स्विफ्ट कार में सवार दो अज्ञात लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें दो गोलियां उसकी टांग में जा लगी। उसने हिम्मत कर एक को धक्का मारा तो एक का पिस्टल गिर गया और घायल हालत में वह वहां से भाग निकला और जब वह अपने घर पहुंचा तो घर वाले उसे हॉस्पिटल में ले आए। नौजवान ने बताया कि उसकी किसी के साथ पुरानी रंजिश है, हो सकता है कि उसी ने यह हमला करवाया हो। कुछ नहीं, मैं हरदोछन्नी गया ही काम तो वापस आ उंडे दो मुंडे आए गोलियां मार के कते ही डिजायर ते नहीं कते पल्सर मोटरसाइकिल कितो आ रही हरदोछन्नी तो लागत भाई इतने बस लगती कहे ने उन्हें कराया काम भाई एक नु धक्का मारे ही डिग पिया उहदा पिस्टल डिग पिया थले जद उन्हू दूजे ने मारे मेरे सीधियां गोलियां मेरे दो लत्त च वज्जियां बाकी इधर उधर निकल गई सड़क ते वज्जियां कुछ उत्थे मिल भी जाने रौंद उत्थे पे रौंद ते बाद विच जदों दूजा उठ के उन्हें पिस्टल फड़ के गोलियां मारन लग पिया मैं निकला गुजरां दा कोली ही लागे वो कहिंदे इधर नू चल जा मैं उधर नू चल गया ते फिर बस फिर वो गए फिर दूजे ने वापस आए वही मौके पर पहुंचे डीएसपी सुखपाल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक नौजवान को गोलियां लगी हैं। मौके पर पहुंच जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। गुरप्रीत नाम का मुंडा जी गुरप्रीत सिंह बचन सिंह कोई दो अनोन मुंडे सीगे कहिंदा कि स्विफ्ट कार ते आए स्विफ्ट डिजायर ते ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਕਲਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰਦੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੁਲਟਸ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਦੋ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸਟੋਰਲੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰੇਸ ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕੁਛ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। इस चैनल पर चल रहे मुद्दों पर अपने विचार देने के लिए कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।